तो जैसा आपके पास दिया गया है 3 बाई 3 की डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, मतलब हमें एक्सपेंड करना है नॉर्मली, एकदम आसान क्वेश्चन आपके लिए। लेकिन एक चीज़ आप जानते हो कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हम एक्सपेंड करें, वी गेट द सेम आंसर, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। लेकिन हम लोग उस कॉलम या रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। तो आपको शायद दिख रहा होगा कि किस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ है। तो देखिए, जो R2 है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ है ना, दो एंट्री जीरो है, एक माइनस वन है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग, यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग अबाउट R2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लोकेशन है ये क्या है, आपका सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो -1 की पावर सेकेंड रो है 2 और थर्ड कॉलम मतलब +3 है ना। तो कोफिशियंट का हमेशा ध्यान रखिएगा को फैक्टर्स लिखने के लिए। तो दैट इज -1 टाइम्स, अब जिस रो में ये एलिमेंट है वो रो क्लोज जाएगी और जिस कॉलम में वो कॉलम क्लोज जाएगी। तो आपका क्या बचा, 3 3 और -1 -5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बाई 2 की डिटर्मिनेंट है और ये -1 आ जाएगा, ये -1 आएगा और ये -1 पहले से है, तो क्या हो जाएगा आपका +1। और यहाँ से 3 5 जा 15, माइनस का 15 और -3 क्या जाएगा आपका, -15 + 3 दैट कम्स आउट टू बी माइनस का 12। तो दैट इज योर आंसर।